हाय फ्रेंड्स, जय माता दी। फ्रेंड्स, नवरात्रि शुरू होने वाला है, माता की स्थापना का वक्त आ गया है और करेंगे आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता रानी का लघु स्थापना, अगर आप अखंड दीप स्थापना करना चाहते हो वो विधि, जुआरी या जौ बोना चाहते हैं वो विधि भी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। पूजा करने के लिए सबसे पहला पूजा सामग्री जो लिया है इकट्ठा रखना चाहिए, तो ताकि हम पूजा करने का टाइम में बार बार उठ के जाके ये लेके आओ वो लेके आओ ये नहीं होना चाहिए। तो हम पूजा का सामान इकट्ठा रखते हैं। तो ये पूजा सामान में मैंने लिया है हल्दी का घाट, गोमती चक्र, सुपारी, लवंग, इलायची, कर्पूर, धूप स्टिक्स, मोम, जपमाला, नवधान्य या सप्तदान बोने के लिए जो हम लेते हैं वो सब हम लेते हैं, गंगा जल, मौली, इत्र, सैंडल पाउडर और पान के पत्ता और हल्दी, कुमकुम, हनी, गाय का घी, मिश्री, पंचमेवा, अगर दीप जलाने के लिए अखंड दीप जलाने के लिए तो बड़ा वाला दिया और एक मिट्टी का दिया भी हम रेडी रखना चाहिए था। माता रानी के लिए अलंकरण के लिए नया वस्त्र, बैंगल्स, हार जो आप लेते हैं वो सब रेडी रखना चाहिए और फ्रेश फ्रूट्स आप जो अवेलेबल है वो लेना अच्छा है। तो इसमें फ्लावर्स में यानी फूल लिया है, थोड़ा फूल हम खुला रखेंगे, थोड़ा फूल हम हार बनाएंगे माता रानी के लिए, तो इसी तरह हम फूल भी रेडी रखेंगे। और सादा वाला जल लिया है मैंने तो कलश में डालने के लिए, कलश के लिए मैंने सिल्वर का कलश लिया है। अगर आप सिल्वर का मिट्टी का आप जो भी कलश स्थापना के लिए जो भी आप लेते हैं कलश, अगर आप मिट्टी का लेना चाहते हैं मिट्टी का आप एक दिन पहला पानी में भिगो के वो यूज़ करना चाहिए। तो इसी तरह मैंने पूरा सामान रेडी किया है। तो एक पार्ट में मैंने यानी एक छोटा सा टेबल है, मैं देवी को हमेशा इधर ही बिठाती हूँ, तो इसका ऊपर मैंने लाल कलर का कपड़ा डाल के सब रेडी करके एक जगह पे बैठ गई। अभी मैं ये तांबे का पात्र लिया है तो इसमें मैंने जौ बोने वाली हूँ। आप जौ या जुआरी आप जो भी बोना चाहते हैं आप बो सकते हैं। और जौ बोने के लिए मैंने इसी तरह एक लेयर में मिट्टी लिया है, ये मिट्टी मैं अच्छी तरह छान के लिया है, ये देखिए इसमें पत्थर वितर कुछ नहीं है। तो माता रानी के लिए स्थापना का टाइम में हम अच्छा सा शुद्ध यानी तैयार करके लेते हैं। जो मैंने पहला भिगो के लिया है ये जो अब इसमें मिट्टी में डाल देती हूँ। मिट्टी में मैंने बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि जो भिगो के लिया है जो डालने के बाद ही मैं पानी डालने वाली हूँ। अब इसी तरह मैंने जो डाला है क्योंकि बहुत सारा भी नहीं डालना है, हम जो मतलब जो पात्रा लेते हैं उसी का हिसाब से हम जो या कोई भी हम लेते हैं बोने के लिए जुआरी वो बोते हैं। मैंने इसी तरह पात्रा लिया है, आपको इसी तरह मिट्टी का भी पात्रा मिलते हैं, अगर ये टाइम पे मुझे अवेलेबल नहीं था तो इसीलिए मैंने यही पात्रा में जो बोने वाली हूँ। तो इसमें मैंने ऊपर लेयर में भी मिट्टी डाल दिया है, ये मिट्टी कितना फाइन रहेगा अपना जो जुआरी जो बोते हैं वो इतना अच्छा उठ के आ जाएगा। ये देखिए इसी तरह मैंने हल्का सा पानी डाल दिया है ऊपर से। अगर बीच में से मैं जगह करूँगी क्योंकि इसमें हम कलश बिठाने वाले हैं। अगर आप जो बोते हैं या जुआरी बोते हैं वो अलग भी रख सकते हैं, कलश अलग से भी रख सकते हैं। अगर आप इसमें कलश रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैं कलश के लिए लिया है, मेरे पास सिल्वर का है, अष्टलक्ष्मी का मेरे पास ये है तो मैंने ये लिया है। तो अष्टलक्ष्मी है तो इसमें इसका ऊपर भी माँ है, तो मैंने हल्दी, कुमकुम और चंदन से पहला हल्दी, कुमकुम और चंदन लगाऊंगी। अगर हम सादा वाला लेते हैं तो हम स्वस्तिक बना के स्टार्ट करते हैं काम। अब ये देखिए माता सबको मैंने अष्टलक्ष्मी का हल्दी, कुमकुम, मैंने चंदन से अलंकरण किया है।
इसी तरह हल्दी कुमकुम लगाने के बाद मैंने इसका ऊपर से स्वस्तिक बना के ले लिया है। सबसे शुभ माना जाता है स्वस्तिक, ये आपको कंपलसरी स्वस्तिक बनाना चाहिए। आप मिट्टी का लो, सिल्वर का लो, कोई भी ले लो कलश के लिए, वो कलश का ऊपर तो आपको स्वस्तिक इसी तरह बनाना पड़ेगा। आप इसी तरह स्वस्तिक बना के बीच में से जो चार डॉट्स रहते हैं वो भी रखना चाहिए। अब इसी तरह सब करके ले लिया है मैंने। दूसरे साइड में इसका ऊपर कलश का ऊपर से ओम भी बनाएंगे। ओम, स्वस्तिक या त्रिशूल, ये सब माता रानी का चिन्ह है। तो आप कोई भी मतलब स्वस्तिक तो मेन होना चाहिए, इसके बाद ओम या त्रिशूल वो भी आप बना सकते हैं। इसी तरह मैंने कलश के लिए सिल्वर का जो लिया है तो मैंने सब रेडी करके ले लिया है। अब इसमें एक मिट्टी का मैंने प्लेट जैसा लिया है तो इसके नीचे रखा है, क्योंकि नीचे गैप थोड़ा रखना चाहिए। अब इसमें कलश रखा है तो कलश में डालने के लिए हम जब पहले रेडी करके रखा है वो हम बाजू में रखते हैं, क्योंकि पूजा करने का टाइम है, हम बार बार उठ के ये जाना अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हम सब सामान इकट्ठा रखते हैं और पूजा करने का टाइम में कोई ना कोई अपना साथ होना भी अच्छा है। तो मैंने इसमें डाला है, कलश में डाला है हल्दी का घाट, सुपारी, यानी 6 लवंग डाला है, 2 इलायची, 2 गोमती चक्र। अरे पूजा शॉप में आपको इजीली मिल जाते हैं, तो ये डालना भी अच्छा है, ये हम शुभ मानते हैं। माता को भी बहुत पसंद है। माता मैंने छोटा सा पीस देसी का कर्पूर बोलते हैं, ये बहुत खुशबू आते हैं, तो ये भी मैंने कलश में डाल दिया है। इसके बाद सिल्वर का या गोल्ड का जो भी कॉइन आपके पास रहता है वो भी डाल दीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा गंगा जल यूज़ करेंगे। अगर आपके पास बहुत सारा गंगा जल है तो आप पूरा गंगा जल वापर सकते हैं, यानी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने सादा वाला जल मिक्स करने वाली हूँ। आप थोड़ा सा दुर्वा का घास भी लेना चाहिए, ये भी पूजा का शॉप में आपको इजीली अवेलेबल रहेगा। तो मैंने सिल्वर का भी एक कॉइन डाल दिया है, आप सोने का है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद मैंने सादा वाला जल डाला है इधर। गंगा जल हम थोड़ा तो डालना चाहिए, ये तो जरूरी है, पूजा आदि में तो गंगा जल यूज करना अच्छा है। तो गंगा जल पहले डाल दिया है मैंने, इसका ऊपर से सादा जल भी डाल दिया है। तो इसमें थोड़ा सा इत्र भी डालेंगे, क्योंकि भगवान के लिए हम ये खुशबूदार जो यूज़ करते हैं ये बहुत खुशबू आते हैं, वो देवता लोग भी बहुत पसंद करते हैं। अब कलश में सब मैंने डाल दिया है। इसमें आप अशोक का पत्ते या आम का पत्ते जो आपको अवेलेबल रहेगा वो अच्छा सा क्लीन करके, अच्छा सा साफ करके इसमें डालना चाहिए। आप जो पत्ता लेते हैं 5, 7, 9 इसी तरह लेना चाहिए। तो आपके पास आम के पत्ते, अशोक पत्ता अवेलेबल नहीं है तो आप यही जगह पे पान का पत्ता भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पान का पत्ता भी माँ को बहुत पसंद है, हम शुभ के लिए शुभ माना जाते हैं। तो आपको जो अवेलेबल है तो कलश का ऊपर वो पत्ता यूज़ कर सकते हैं। तो
तो मुझको तो आम का पत्ता अवेलेबल है, तो मैंने आम का पत्ता ले लिया है 5। इसको इसी तरह कलश में मैंने डाल दिया है। अगर इसका ऊपर से मैंने एक प्लेट जैसा रखा है, इसमें मैंने चावल डालती हूँ। तो अगर आपके पास सप्तदान, नवधान, जो भी आपके पास जो भी अवेलेबल है वो डाल सकते हो, या नहीं है तो आप चावल भी डाल सकते हो। ये चावल डालने के बाद अब मेन कलश के लिए तो नारियल लेना चाहिए, नारियल को लपेटने के लिए, और लाल कपड़ा ये भी हम रेडी रखना चाहिए। इसी तरह मैंने एक नारियल लिया है, इसको लाल वस्त्र में मैंने इसी तरह रख के इसको मौली से मैंने बांध लिया है। जो पेड़ से लटके रहते हैं वो वाला अपना तरफ होना चाहिए, वो नारियल का आगे पार्ट है जो वो आगे रहना चाहिए। इसी तरह मैंने मौली से बांध के रख दिया है। अभी कलश स्थापना हो रही है हमारा। अच्छी तरह मैंने लाल कपड़ा बांध के ये देखिए ये आगे पार्ट आगे रख दिया है, और पीछे का पार्ट अपना साइड रहना चाहिए। इसी तरह मैंने बांध के कलश के ऊपर रख दिया है नारियल। अब जो मैंने पार्ट में पहला लाल कपड़ा डाल के रेडी किया है, ये कलश हम उधर रखते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा आप हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक बना दीजिएगा। हम माता के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं, नारियल और कलश, जो भी पात्र यूज़ करते हैं माता के लिए, वो उसके ऊपर हम स्वस्तिक जरूर बनाएंगे। इसी तरह स्वस्तिक बनाना चाहिए। इसी तरह बना के लेने के बाद हम पहला एक जगह सेट किया, तो वही जगह पे कलश को स्थापना किया है। तो इसमें कलश स्थापना करने के बाद हम इसको माला चढ़ाएंगे। जो पहला पार्ट है कलश स्थापना और जो बोने का हो गया है, अब हम गणपति देवा का स्थापना करेंगे। पहला पूजन अपना गणपति देवा का पूजा करके तो फिर माता रानी का अलंकरण करते हैं। तो इसी को मैंने गणपति देवा पूजा के लिए छोटा सा स्टूल जैसा ले लिया है, यानी छोटा सा पाट। मेरे पास सिल्वर का गणपति है, तो मैंने आपके पास कोई भी मूर्ति रहेगा गणपति का, आप वो पूजा में रख सकते हैं। तो गणेश जी को मैंने हल्दी कुमकुम और चंदन लगाई है। पंचोपचार पूजन करना है, तो गणपति देवा के लिए हम पंचोपचार पूजा करेंगे। तो हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाया है। अब मौली का धागा लेंगे। अब वस्त्र समझ के हम ये कच्चे सूत से, यानी सफेद वाला धागा से हम इसको ऊपर से वस्त्र बना के वापस डालेंगे। इसके बाद फूल भी चढ़ाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, ये मंत्र जप करते हम गणपति भगवान का पूजा करते हैं। अब
फूल से भी अलंकरण करते हैं। अब गणपति देव के लिए हम बुक के लिए हम जो ड्राई फ्रूट से या नहीं है तो आपके पास फ्रेश फ्रूट से हम जो भी अवेलेबल है वो हम भोग चढ़ाते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट जो लिया है सुपारी ड्राई फ्रूट सुपारी ओम गंग गणपति ये नमः ये मंत्र बोलते बोलते गणपति देव को हम भोग चढ़ाएंगे। तो इसके साथ साथ फ्रेश वाला फ्रूट्स भी भोग चढ़ाएंगे। हाँ तो आप जो एप्पल जो भी लिया है फ्रेश वाला फ्रूट्स वो चढ़ा सकते हैं। तो गणपति देवा का प्रार्थना करते हैं अभी। भोग लगाने के बाद पानी से थोड़ा आचमन करने का अब गणेश जी का पूजन हो गया है। अब हम अखंड दीप के लिए तो इसमें अष्टदल पद्म बना के ले लेंगे। पद्म या अष्टदल कमल जो भी बनाना है तो अब बना के ले लीजिएगा। तो ये हम सादा चावल यानी सफ़ेद वाला चावल से नहीं बनाते हैं। आपको चाहिए तो इसमें कुमकुम भी यूज़ कर सकते हो, कुमकुम भी मिक्स कर सकते हो या हल्दी भी मिक्स कर सकते हो। मैंने इधर हल्दी मिक्स किया है यानी पीला चावल बनाया है। इसी तरह हम चावल डालकर अच्छी तरह अष्टदल पद्म बना के ले लेंगे। आप अगर अष्टदल पद्म बनाना चाहते हैं आप फूल से भी आप बना के ले सकते हो। इसी तरह तो अष्टदल पद्म बनाया है तो इसका ऊपर से हम अखंड दीप स्थापना करने वाले हैं। हम जो भी बोलते हैं अखंड दीप स्थापना करते हैं। इसमें जो बाती रखने वाला है ये निकाल कर हम बाजू में रख देते हैं। अब अखंड दीप में तो देर सवा हाथ का मौली लेना चाहिए क्योंकि ये 9 दिन चलने वाले हैं। ये 9 दिन में इतना बड़ा बाती तो चाहिए हमको। ये 9 दिन में हम बार बार बाती निकाल के नहीं बनाते हैं तो एक ही टाइम बनाते हैं। अगर आप 9 दिन नहीं रखना चाहते हैं आप 1 दिन का भी पूजा कर सकते हैं। आप अगर 1 दिन भी पूजा करते हैं आप 2 टाइम धूप दीप नैवेद्य तो करना चाहिए। इसी तरह मौली को डबल करके इसी तरह अमेट अमेट के बातें बना के लेते हैं। ये थोड़ा मोटा होना चाहिए इसके लिए हमने तो अमेट अमेट के बातें बना के लिया है। अगर ये नहीं जमता है आपको हाथ में थोड़ा पानी लगा लीजिए थोड़ा सा। इसको अच्छी तरह अमेट अमेट के मोटा बना के ले लिया है बाती। इसी तरह इसके बीच में से हम ऊपर से या नीचे से कैसे भी हम कैसा जमता है इसी तरह हम मैं तो नीचे से लगाया है। इसी तरह ये देखिए तो आप धागा इकट्ठा नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये 9 दिन में हम बीच बीच में थोड़ा ऊपर खींचते हैं वो टाइम पे आसानी से आना चाहिए। इसी तरह हम राउंड शेप में रखते हैं ताकि ये खींचने का टाइम जल्दी ऊपर आ जाए। इसी तरह सेट करते हैं। ये देखिए जैसा आप ऊपर खींचते हैं आपको इजीली ऊपर से आ जाएगा दिया। तो ये बाती हम रेडी रखने के बाद हम इसमें तेल से या घी से आप जो यूज़ करना चाहते हैं आप पहला सोच के तो डाल दीजिएगा क्योंकि एक दिन आप घी से एक दिन तेल से
ये नहीं जलाना है अखंड दीप में। पहला आप जो यूज़ करते हैं तेल या नहीं है तो घी, वही यूज़ करना चाहिए 9 दिन पूरा। तो मैंने इधर घी लिया है, घी से मैंने दिया जलाया है, तो मैं तो 9 दिन घी से ही पूजा करेगी। इसी तरह ओम दुम दुर्गे नमः, ओम दुम दुर्गे नमः, ओम दुम दुर्गे नमः। तो ये कोई भी माँ का मंत्र जप करते करते हमको दिया जलाना है। हम दिया जलाया है, अब गणपति देव को हमने कैसा पंचोपचार पूजा किया है उसी तरह हम अग्नि देव को भी पूजा करना चाहिए। पंचोपचार पूजा में हम थोड़ा सा मौनी और थोड़ा सा हल्दी कुमकुम जो भोग के लिए लिया है, ड्राई फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट्स कोई भी हम लेते हैं, और दिया को भी रखना चाहिए। तो पहला फूल रखते हैं, अब इसी तरह दिया को भी भोग लगाया है, इसको फ्रेश फ्रूट्स भी आप जैसा आपको जो अवेलेबल है फ्रूट से या ड्राई फ्रूट से आप कोई भी भोग लगा सकते हैं। तो दीप जैसा जलाते हैं हम उसको पहला पूजा करते हैं, पहला मन में यही सोचते हैं सब अच्छा होना चाहिए करके। अब अखंड ज्योत तो हमने जलाया है, इसके बाद माता रानी का हम थोड़ा अलंकरण करके ले लेंगे। अब मेरे पास माता रानी का फोटो है तो मैंने फोटो लिया है, तो अब माता रानी का थोड़ा अच्छा सा अलंकरण करके ले लेते हैं। माता रानी का अलंकरण के लिए हमने पहला तो अच्छी तरह पोंछ के सूखा कपड़े से पोंछ के लेना चाहिए। तो मैंने पहले से ही गीला कपड़े से पोंछ के लिया है, अब सूखा कपड़े से भी अच्छी तरह पोंछ के ले लिया है। तो अब माता रानी का अलंकरण करते हैं। अलंकरण के लिए मैंने माँ के लिए लिया है एक नया वस्त्र लेके मैंने, ये देखिए माता का अलंकरण के लिए ये जो सामान लिया है। तो अब माता के लिए लहंगा चुन्नी बनाया, चुन्नी तो मैंने रेडीमेड लेके आई है, लहंगा तो मैंने मेरे हाथ से बनाई है। इसी तरह मैंने, आपके पास टाइम है तो आप हाथ से बना लीजिए या नहीं तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। तो मैंने एक ब्लाउज पीस लेके इसी तरह माँ को लहंगा बना के ले लिया है। ये माँ को अलंकरण करते हैं। इसी तरह बांध के ले लेते हैं पीछे से।
तो ऊपर से हम चुन्नी भी लिया है, तो इसको थोड़ा थोड़ा मेन लेते ये भी अच्छे से चिपकाएंगे माँ का अलंकरण टाइम में, तो सेफ्टी पिन वगैरह नहीं लगाना चाहिए। तो हर एक पूजा शॉप में आपको इजीली मिल जाते हैं, तो मैं इसमें पीला कलर का भी रहते हैं और एक सफ़ेद कलर का भी रहते हैं, जो अवेलेबल है आप ले सकते हो। तो इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा मेन चिपकाते हैं और ऊपर से चुन्नी भी चिपकाएंगे। यह अच्छी तरह आपको 9 दिन रह जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह माता रानी का अलंकरण किया जाते हैं। इसी तरह मैन चिपकाते चिपकाते पूरा चुन्नी को सजा दिया है। इसी तरह थोड़ा सा अलंकरण किया है माँ का। इसके बाद माँ के लिए जो टिकली वगैरह लिया है, अब इसको अच्छी तरह सेट करते हैं थोड़ा, यानी अपना साड़ी का जैसा प्लेट्स आते हैं उसी तरह आप जितना प्लेट्स जैसा आते हैं वो उसी तरह सेट करके ले लीजिए। अब माँ के जो टिकली लिया है, जो आप हल्दी कुमकुम जैसा आप जो अवेलेबल है, माँ के लिए मैंने एक टिकली का ले लिया है, तो माँ को टिकलिया अच्छी तरह सेट किया है। अब माँ का जो नथ है वो माँ को पहनाएंगे, तो इसको नाक के पास थोड़ा सा मैन चिपका दीजिए, तो इसी तरह आप माँ का नथ पहना दीजिए। ऐसा मैन थोड़ा थोड़ा लेते हैं, आपको जैसा क्या क्या चिपकाना है उसी तरह हम चिपकाते हैं। को एक बिंदी लगा दिया, अब माँ का नथ पहनाया है, अब माँ का जो हार है वो माँ को पहनाएंगे।
और जो भी हार लिया है वो भी इसी तरह थोड़ा मैम लेके चिपका दीजिएगा। तो आपके पास जो भी माता का श्रृंगार यानी अलंकरण के लिए आप जो भी सामान लिया है वो इसी तरह अच्छी तरह सेट कर दीजिएगा। बहुत प्यारी लग रही है माँ आज। अब इसी तरह इसी तरह जो माँ के लिए हार लिया है वो पहनाया है। अब इसके बाद माँ को एक हार पहना दीजिए। अगर आपके पास हार है तो आप पहला हार बना के ले लीजिए, तो माँ को हार पहना लीजिए। माँ को बैंगल्स भी चढ़ाना चाहिए, तो बैंगल्स को रुई या मौली से तो इसी तरह बांध के इसी तरह ऊपर से धारण करें। तरह माँ का अलंकरण किया है। अब माँ का अलंकरण हो गया है। अब इसके बाद हम माता का हारती बाकी है, तो इसका पहले माँ के लिए भोग चढ़ाएंगे। के लिए हम जो ड्राई फ्रूट्स लिया है, ड्राई फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट्स आप जो भी लिया है तो माँ का भोग चढ़ा सकते हैं। लवंग, इलायची और पंचमेवा यानी फाइव टाइप्स की ड्राई फ्रूट्स हम जो माता के लिए जो निवेदन करने के लिए भोग के लिए लिया है वो माँ का निवेदन करते हैं। तो अपने मैंने फ्रेश फ्रूट्स भी लिया है, तो फ्रेश फ्रूट्स भी अब इसी तरह माँ के पास रख दीजिए। अब पंचमेवा भी माँ को तो 9 दिन में कम से कम आप एक बार तो पंचमेवा भोग चढ़ाना चाहिए। इसी तरह पंचमेवा अब माँ का अलंकरण भी हो गया है। अब माता की भोग भी चढ़ाया है। अब माँ के लिए धूप बत्ती लगाना चाहिए जो अखंड दीप है, तो अखंड दीप का भी पूजा किया है हमने, गणपति देव का भी पूजा किया है। पंडित के लिए इसी तरह वो जो ग्लास आते हैं तो ये टाइम पे आप मट्टी का यानी मिट्टी का जो एक दिया भी आप हमेशा साथ में रखना चाहिए। उसमें बातें बना के घी डाल के हम रेडी रखते हैं। जब हम पूजा करते हैं आप इसमें जब दिया में तेल या घी डालते हैं वो कम हो जाते हैं, वो बात को हम ऊपर खींचने का टाइम तो दिया जला के दूसरा दिया जला के माँ के पास रख के हम वैसा काम करेंगे।
तो इसके बाद माँ को इत्र भी चढ़ाया है। तो हम इसी तरह हम माँ को धूप डालेंगे। तो आप धूप स्टिक भी रख सकते हो। अब इसी तरह धूप श्रेष्ठ माना जाते हैं। आप दिन में कम से कम एक बार तो इसी तरह धूप माँ के पास डाल दे, ताकि ये अच्छा रहेगा तो फ्रेश भी रहेगा घर में। आप चार कोना में ये धूप डालें। इसी तरह धूप डाल दिया है। अब माँ का आरती करेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसी तरह माँ का कोई भी मंत्र जप करते या कोई भी आपका आराधना का गाना आते हैं वो बोलते बोलते माँ का आराधना करते हैं। इसी तरह पूजा करके हो गया है। पूजा संपूर्ण करने के बाद माँ से आप क्षमा याचना कर ले कि हे माँ, मुझे तो ना आवाहन करना आते हैं, ना मुझे पूजा का नियम जानती हूँ, ना विसर्जन आदि आती नहीं है। आपको जो भी है भक्ति श्रद्धा से मुझे जितना आता था वो सब आपको अर्पित किया है, आप इसे स्वीकार कर ले माँ। इसी तरह 9 दिन स्थापना तो पहला दिन करेंगे और 9 दिन आपको नियमित रूप से आरती करनी होती है। माँ को भोग रख के आरती रख के 9 देवियों की किस प्रकार की कौन सी भोग होती है, कौन सा रंग होते हैं, ये पहले आप लोग के साथ शेयर किया है, आप चेक कर सकते हैं।